हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन है और आप उसमें हॉटस्पॉट को हाइड करना चाहते हो तो हाइड कैसे करेंगे। कई बार आप अपना हॉटस्पॉट शेयर करते हो तो दूसरे लोग आपके हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपका इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, कई बार हमें हाइड करने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा हॉटस्पॉट ऑन हो बट वो दूसरे किसी पर्सन को शो ना हो। तो हॉटस्पॉट को आप हाइड करें उसके लिए आप मोबाइल की सेटिंग में जाएं सैमसंग फ़ोन की। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे टैप कर दें। उसके बाद नीचे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है मोबाइल हॉटस्पॉट एंड डेथ रिंग, इस पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट ऑफ है, ठीक है। जहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट लिखा है आप इस पर क्लिक करें। तो यहाँ से हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, बट इनेबल करने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देख सकते हो, जैसे कि जहाँ पे लिखा है बैंड, इस पर आप क्लिक करें तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप नेटवर्क का नेम, पासवर्ड, बैंड चेंज कर सकते हो। बट यहीं पे एक हिडन फीचर है एडवांस सेटिंग, इस एडवांस पे क्लिक करें तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा हिडन नेटवर्क। अब इस ऑप्शन को हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने से क्या होगा, यहाँ पर लिखा है योर मोबाइल हॉटस्पॉट नेम वॉन्ट अपीयर इन द लिस्ट ऑफ अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क। यानी कि अगर आप अपने हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे और इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो आपका हॉटस्पॉट किसी दूसरे फ़ोन में शो नहीं होगा, किसी दूसरे पर्सन को शो नहीं होगा। तो इस ऑप्शन से हम अपने हॉटस्पॉट को हाइड कर सकते हैं। आपके पास सैमसंग का फ़ोन हो, कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो, तो आप इस तरह हिडन नेटवर्क वाला ऑप्शन फाइंड करना या हाइड नेटवर्क, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेव का बटन है आप सेव कर देना, तो यही ऑप्शन है हिडन नेटवर्क। तो यहाँ से आप अपने हॉटस्पॉट को हाइड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।